हम मूल निवासियों के हक की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं अपने प्रदेश में हमारे मूल निवासी सुरक्षित रहे। तपती धूप में खड़ी हो रखी हूँ सर, देर भी नहीं हुई है मेरे पति की और मैं यहाँ आ रखी हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की मांग अभी पूरी भी नहीं हुई है कि एक और हत्याकांड से उत्तराखंड सहम गया है। एक बार फिर उत्तराखंडी सड़कों पर हैं और फिर इंसाफ की मांग उठाई जा रही है। 16 जून की रात को एक छोटी सी कहासुनी में गोलियां चलाई गईं और इसमें दीपक उर्फ रवि बडोला की हत्या कर दी गई, जबकि दो लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। रायपुर थाना क्षेत्र के ढोबाल चौक पर हुए हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे जैसे इस मामले की छानबीन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें कई नई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। आखिर 16 जून की उस रात को हुआ क्या था, कैसे और क्यों एक रिहायशी इलाके में इस तरह ताबड़तोड़ गोलियां चली, क्या बच सकती थी रवि बडोला की जान, इन सभी सवालों का जवाब तो हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन इस हत्याकांड के बहाने एक बार फिर मूल निवासियों के हकों की आवाज भी उठने लगी है। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति भी रवि बडोला के परिवार के साथ खड़ी हुई है और परिवार के लिए इंसाफ की मांग जोर शोर से उठा रही है। रवि बडोला की हत्या के बाद धामी सरकार भी एक्शन में दिख रही है। धामी सरकार ने भी देहरादून में बाहरियों को बसने को लेकर कुछ कड़े फैसले लिए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको रवि बडोला हत्याकांड मामले से जुड़ी अब तक की हर एक डिटेल बता रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि धामी सरकार ने बाहरियों के बसने को लेकर क्या नए नियम तय किए हैं। 16 जून की रात को जो वाकया हुआ उस पर आने से पहले इस पूरे विवाद की जड़ को जानना होगा। मृतक रवि बडोला की पत्नी उर्वी बडोला के मुताबिक उनके पति यानी रवि बडोला प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। रवि के पास दो गाड़ियां थी तो वो उसमें से एक बेचना चाह रहे थे। रवि ने डीलर सागर यादव यानी शंभू को गाड़ी बेचने के लिए दी। रवि की पत्नी के मुताबिक कुछ ही दिन बाद रवि को शंभू यादव के खराब बैकग्राउंड की जानकारी मिल गई थी। उसका बैकग्राउंड जानकर रवि चिंतित हो गए कि कहीं उनकी गाड़ी का दुरुपयोग ना किया जाए। उन्हें डर था कि ये लोग उनकी गाड़ी को किसी अपराध में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से रवि फंस सकते हैं। यही सोचकर रवि ने अपनी गाड़ी वापस लेने की ठान ली। रवि ने शंभू यादव से कहा कि अभी गाड़ी वापस कर दो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब गाड़ी ले जाना, लेकिन उसने गाड़ी लेकर जाने नहीं दी। रवि की पत्नी बताती है कि रविवार यानी 16 जून को रवि साइट के कुछ काम से घर से निकले थे। वो बताती है कि मैंने रात के 9:30 बजे के बाद रवि को लगातार फोन किया, लेकिन उन्होंने 11 बजे तक भी फोन नहीं उठाया। इसके बाद उर्वी ने जब रवि के पार्टनर को फोन किया तो उन्होंने पूरा वाकया बताया। बताया जा रहा है कि रवि की ये कार देवेंद्र भारद्वाज उर्फ सोनू भारद्वाज के घर के बाहर खड़ी थी। रवि ने जब अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी देखी तो उसने आसपास पता किया कि जहां पर वो गाड़ी खड़ी है वो किसका घर है। पता चला कि वो देवेंद्र भारद्वाज यानी सोनू का घर है। इसके बाद रवि अपने दो परिचित सुभाष छेत्री और मनोज नेगी के साथ देवेंद्र के घर अपनी कार वापस मांगने के लिए पहुंचे। सोनू भारद्वाज के घर पर पहले से ही सोनू का भाई मोनू, मुजफ्फरनगर निवासी रामवीर, मेरठ निवासी योगेश, पटना का मनीष और देहरादून का ही अंकुश बैठे हुए थे। आरोप ये है कि जैसे ही रवि बडोला और उनके दो परिचित सोनू भारद्वाज के घर पहुंचे तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इस दौरान रवि के गले और पेट में गोली लगी। रवि बडोला वहां से जान बचाने के लिए भाग निकले, बल्कि छेत्री और नेगी वहीं पर गिर पड़े। मृतक रवि की पत्नी ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने जानबूझकर और उनको मारने के इरादे से ही गोलियां चलाई थी। जब परिवार को इस पूरे घटनाक्रम का पता चला तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और रवि की तलाश शुरू की गई। परिवार ने पहले रिश्तेदारों से उसके बारे में पूछा और फिर पुलिस की मदद से तलाशी अभियान जारी रखा और सुबह 6 बजे रवि बडोला का शव
चौक के नज़दीक ही एक बरसाती नाले में पड़ा मिला। इस पूरे मामले को 7 लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। हत्याकांड की बात सामने आते ही देहरादून में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसमें मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति भी शामिल हुई। रवि बडोला के लिए इंसाफ की मांग को लेकर पहले कैंडल मार्च और फिर देहरादून बंद बुलाया गया। देहरादून बंद भले ही सफल ना रहा हो, लेकिन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के समन्वयक मोहित डिमरी समेत 15 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। अब लगातार इस मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई जा रही है और इसके साथ ही दूसरी मांगे भी रखी जा रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह ही इस मामले में भी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। खुद रवि बडोला की पत्नी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। रवि बडोला की पत्नी ने आरोप लगाया कि रात को पुलिस ने ठीक से सर्च ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने बताया कि रात को जब पुलिस सर्च ऑपरेशन करने आई तो उसके पास एक टॉर्च तक नहीं था। उन्होंने बताया कि वो खुद रिश्तेदारों के साथ फोन की रोशनी में रवि को ढूंढ रहे थे। उर्वी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फोन ढूंढने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वो अपनी यूनिफॉर्म गंदी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस को रवि के मोबाइल की लोकेशन 1 किलोमीटर के दायरे में दिखा रही थी। उर्वी ने बताया कि सीओ साहब ने उनसे कहा कि हमने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी हैं। उर्वी पुलिस से सवाल करती हैं कि पुलिस यूनिट्स को इधर उधर भेजने की बजाय वहीं 1 किलोमीटर पर फोकस क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड को मुखरता से उठाने वाले आशुतोष नेगी भी कई आरोप स्थानीय विधायक पर लगाते हैं। आशुतोष ने आरोप लगाया कि अपराधी सोनू भारद्वाज को स्थानीय विधायक की शरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड में वनंतरा रिजोर्ट को बुलडोज करने में 1 मिनट भी नहीं हिचकी, वो अब आरोपी के घर को बुलडोज करने से बचती दिख रही है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि ये सब आरोपियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। आशुतोष नेगी ने कहा कि कैलाश अस्पताल ने घायलों का इलाज करने के लिए पहले 3 लाख रुपए भरने के लिए कहा, वो नहीं दे पाए तो घायलों को इंद्रेश में भर्ती किया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए ये जरूर कहा जा रहा है कि अगर पुलिस थोड़ी मुस्तैद होती तो शायद रवि बडोला की जान बच सकती थी। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 जून को अहम बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं उनकी पूरी जाँच होनी चाहिए। इन लोगों को ये बताना होगा कि ये लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं। इसके साथ ही इनके आपराधिक बैकग्राउंड की भी जांच की जाएगी। अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड मिलता है तो उसका पूरा विवरण पेश किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया कि राज्य में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जाए। हालांकि ये वेरिफिकेशन ड्राइव जमीन पर कब शुरू होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमेशा की तरह सरकारों ने एक घटना होने के बाद जागती हुई नजर आती हैं, लेकिन जागने के बाद भी काम कितना होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। रवि बडोला हत्याकांड में शामिल कई आरोपियों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। सोनू भारद्वाज के खिलाफ हुड़दंग मचाने और मारपीट करने जैसी कई शिकायतें हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ये भी सोनू भारद्वाज की एक क्राइम की कलई खोलता है, जहां पर वो मारपीट करता नजर आ रहा है। रवि बडोला हत्याकांड के बाद धर्मपुर निवासी एक महिला ने सोनू और उसकी पत्नी पर 15 लाख हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने सोनू और उसकी पत्नी समेत 2 और लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रवि बडोला की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक मुजफ्फरनगर निवासी रामबीर एक हिस्ट्री शीटर हैं। बताया जा रहा है कि रामबीर फरार होने से पहले दून की THDC कॉलोनी में अपनी प्रेमिका के घर गया था, जहां उसने पिस्टल और कारतूस छिपाया और राजस्थान भाग गया, जहां से बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जबकि उसके 2 साथी योगेश
और मनीष हरिद्वार की ओर भाग गए। रामवीर ने खुद पुलिस रिमांड में इन बातों का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि रामवीर की गर्लफ्रेंड कुख्यात गैंगस्टर यतेंद्र चौधरी की पत्नी है। यतेंद्र चौधरी की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। यतेंद्र चौधरी कुछ साल पहले दून में हुए विनय छेत्री हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। रवि वडोला हत्याकांड में कुल 7 लोग शामिल थे। रिपोर्ट लिखे जाने तक पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। रवि वडोला का परिवार और उनके साथ खड़े लोग प्रमुख रूप से कुछ मांगे रख रहे हैं। परिवार की मांग है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति और रवि वडोला की पत्नी की तरफ से नौकरी की मांग भी उठाई जा रही है। जहां इस मामले में मुआवजे की मांग भी कई लोगों की तरफ से उठाई गई है। हालांकि रवि के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। परिवार और इस मामले में परिवार के साथ खड़े लोगों ने एक मांग ये भी उठाई थी कि आरोपी सोनू भारद्वाज के घर को बुलडोज किया जाए। आरोप लगा कि उसका घर अतिक्रमण करके बना हुआ है। इस आरोप के बाद नगर निगम की टीम ने सर्वे किया और आरोपी के परिवार को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 3 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी। हालांकि उससे पहले हाईकोर्ट ने फिलहाल इस अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है। दरअसल नोटिस के बाद सोनू भारद्वाज की पत्नी और अन्य लोग हाईकोर्ट पहुंचे और यहां से फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर स्टे लगा दिया गया है। सोनू भारद्वाज की पत्नी ने तर्क दिया कि उनकी बात को सुना नहीं गया और सीधे उन्हें नोटिस चिपका दिया गया। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। अब इस मामले की जांच SIT करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ परिवार और मूल निवास भू कानून समन्वय समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि वे लोग तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता। एक तरफ जहां रवि वडोला हत्याकांड में इंसाफ की मांग उठाई जा रही है तो दूसरी तरफ फिर एक मुद्दा उठाया जा रहा है मूल निवास का। कहा जा रहा है कि अगर मूल निवासियों को उनका हक मिल गया होता, अगर थोड़ी कड़ाई बढ़ती गई होती तो ऐसे हिस्ट्री शीटर उत्तराखंड में बस नहीं पाते। खैर अब इस पर सरकार आगे क्या रुख अपनाती है, किस तरह से जांच चलती है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि रवि वडोला अपने पीछे अपने माता पिता, पत्नी और एक 4 साल का बच्चा छोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि रवि अपने घर के कमाने वाले अकेले थे। रवि की पत्नी की आंखों में भी कुछ दिक्कत है जिससे उन्हें दिखने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे में वे सरकार और प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रही हैं। मेरी सरकार से सिर्फ कुछ डिमांड्स हैं। पहला तो ये कि ये जो केस हो रखा है इसको प्लीज़ फास्ट ट्रैक में डालिए सर, क्योंकि जब तक कुछ होगा नहीं वो लोग अंदर बैठ के भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं और मेरी फैमिली के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। मेरा 4 साल का बच्चा है, मेरे फादर इन लॉ बहुत बुजुर्ग है, रिटायर्ड है, और सिर्फ वही है कि जिनके साथ मैं अब अंधेरे में बाहर निकल सकती हूँ। सो प्लीज़ इसको फास्ट ट्रैक में डलवाइए। सेकेंड सर, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट एक और है कि क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और अब मेरा अर्निंग जो हस्बैंड थे वो नहीं है, तो प्लीज़ अगर सरकार मुझे नौकरी दे सके, सरकारी नौकरी दे सके, तो प्लीज़ मेरे को उसमें हेल्प करिए। मैं धामी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर, अपना बच्चा समझ के मेरे को एक मौका दीजिए। मैं सर्विस करूँगी, पूरे देश के लिए काम करूँगी और तब आपसे ये हेल्प मांगूँगी। सो प्लीज़ सर, ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला होगा आप लोगों की तरफ से मेरे लिए, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल तपती धूप में खड़ी हो रखी हूँ सर। 13वीं नहीं हुई है मेरे पति की और मैं यहाँ आ रखी हूँ सबसे हेल्प मांगने के लिए, तो प्लीज़ सर ये हेल्प करिएगा सर। देहरादून शहर के एक रिहायशी इलाके में जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए, ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे और साथ ही इस मामले के दोषियों को ऐसी सजा दिलवानी होगी ताकि दूसरे भी ऐसा कुछ करने की हिमाकत न कर सके। देवभूमि को देवों की भूमि बनाए रखना है तो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या रवि वडोला हत्याकांड, दोनों ही मामलों में अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना जरूरी है ताकि देवभूमि की साख बची रहे, ताकि देवभूमि देवभूमि बनी रहे। धन्यवाद।